दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ अमेरिका के मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी मोटोरोला के बारे में, जिसे कि दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल मोबाइल फोन बनाने का श्रेय जाता है। साथ ही कुछ सालों पहले तक यह कंपनी मोबाइल फोन्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। हालांकि 2007 से 2009 तक भारी नुकसान होने की वजह से इस कंपनी को बेचना पड़ गया, जिसके बारे में मैं आगे इसी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चलिए हम मोटोरोला के सफर को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 90 साल पहले से, जब एक छोटे किराए के मकान में दो भाइयों ने मिलकर गॉल्विन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी की स्थापना की और उन दोनों भाइयों का नाम था पॉल और जोसेफ गॉल्विन। यह कंपनी सिर्फ 5 एम्प्लॉइज और $565 के वर्किंग कैपिटल के साथ शुरू हुई थी। दरअसल उस टाइम दिवालिया हो चुके स्टीवर्ट बैटरी कंपनी के औजारों को नीलामी में खरीद कर इस कंपनी को शुरू किया गया था। और फिर कंपनी शुरू हो जाने के बाद इसका सबसे पहला प्रोडक्ट बैटरी एलिमिनेटर था, जो कि बैटरी से चलने वाले रेडियो को घरेलू बिजली पर भी चलने के लायक बनाता था। लेकिन यह प्रोडक्ट बहुत ही जल्द मार्केट से चला गया, क्योंकि रेडियो टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही थी। और फिर आगे चलकर पॉल को पता चला कि आजकल लोग कार में रेडियो लगाना पसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने इंजीनियर्स को एक सस्ता और अच्छा कार रेडियो बनाने के लिए कहा। और फिर गॉल्विन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा डिजाइन किए गए इस रेडियो को रेडियो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सम्मेलन में दिखाया गया, जहां पर लोगों ने इसे खूब पसंद किया और यहीं से कंपनी को ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। अब पॉल गॉल्विन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाए गए इस रेडियो को एक अलग ब्रांड नेम के तहत रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस रेडियो का नाम मोटोरोला रख दिया। दरअसल मोटोरोला दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था, पहला मोटोर जो कि मोटर कार से संबंधित था और दूसरा ओला जो कि बिक्रोला से लिया गया था। कंपनी ने अपना पहला मोटोरोला ब्रांड का रेडियो 27 जून 1930 को बेचा और फिर यह रेडियो जब खूब प्रसिद्ध हो गया तो कंपनी ने भी अपना नाम बदलकर मोटोरोला कर लिया। आगे चलकर मोटोरोला ने कार रेडियो रिसीवर बनाया और इसे पुलिस डिपार्टमेंट और नगरपालिका को बेचा। और फिर दूसरे विश्व युद्ध के समय इस कंपनी ने SCR-536 मॉडल का रेडियो लॉन्च किया, जिससे अमेरिकन मिलिट्री को कम्युनिकेशन में काफ़ी मदद हुई। और फिर 1947 में रेडियो के अलावा भी मोटोरोला ने VT-71 मॉडल का एक टेलीविज़न बनाया। और इस टाइम तक मोटोरोला का मेन बिजनेस रेडियो और टीवी बनाना ही था। 1958 में अमेरिका का पहला सैटेलाइट लॉन्च करते समय मोटोरोला ने नासा के लिए भी बहुत सारे रेडियो उपकरण बनाए थे। और फिर नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा पर जाकर मोटोरोला के ट्रांसीवर से ही अपनी आवाज़ धरती पर पहुंचाई थी। आगे चलकर 3 अप्रैल 1973 को मोटोरोला ने दुनिया का पहला पोर्टेबल मोबाइल फ़ोन बनाया, जिसका मॉडल था डायना TAC और इसे मोटोरोला के ही सीनियर इंजीनियर मार्टिन कूपर ने बनाया था। 1974 में मोटोरोला ने अपने टेलीविज़न बिजनेस को जापान के मात्सुशिता कंपनी को बेच दिया, जो कि पैनासोनिक की पैरेंट कंपनी है। और फिर फ़ोन बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के बाद 1984 में मोटोरोला ने ही पहला सेल्युलर फ़ोन लॉन्च किया, जिसका नाम था डायना TAC-8000X। और फिर आगे भी 1996 तक मोटोरोला ने माइक्रो TAC, अल्ट्रा क्लासिक और स्टार TAC मॉडल का फ़ोन लाया और अब तक यह मोबाइल फोन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। लेकिन नोकिया के आ जाने के बाद 1998 में यह दूसरे पायदान पर खिसक गई। और फिर आगे भी मोटोरोला ने स्टार TAC-2004, रेजर मैक्स और X3603 जैसे कई सारे बेहतरीन मोबाइल फोन्स लॉन्च किए। लेकिन 2007 के बाद से इस कंपनी को नुकसान होता चला गया और फिर 4 जनवरी 2011 को इसे दो अलग अलग पब्लिक कंपनियों में बांट दिया गया, पहला मोटोरोला मोबिलिटी और दूसरा मोटोरोला सॉल्यूशंस। और फिर 2012 में गूगल ने मोटोरोला मोबिलिटी को खरीद लिया, लेकिन आगे चलकर सिर्फ 2 साल के अंदर ही गूगल ने भी इसे लेनवो को बेच दिया। और अब लेनवो के बैनर तले मोटोरोला के मोबाइल फोन्स फिर से आगे निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो दोस्तों यह थी मोटोरोला की कहानी, उम्मीद है कि आपको यह जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।